खबर जनपद चमोली से है, जहां चार धाम यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा की घटना घटित होने पर राहत और बचाव कार्यों को अमल में लाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से गुरुवार को जिले के चार स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया। बता दें कि इस मॉक ड्रिल में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने, आग लगने की घटना और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने का मॉक अभ्यास किया गया। इसी दौरान अपर जिलाधिकारी चमोली विवेक प्रकाश ने बताया कि आपदा प्रबंधन द्वारा चार स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल मार्ग अवरोध होने, बस दुर्घटना और आग लगने से संबंधित थी, जिसमें आपदा से जुड़े संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई कर राहत बचाव कार्य समय से अंतर्गत शुरू कराए गए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है चार चमोली को चार जो स्पॉट लिया गया था, उसके लिए जो आपदा का मॉडल किया गया हम लोगों ने, एक स्पॉट बाघपुर चमोली में जहाँ पे कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, रोड का जो है वो ब्लॉक हो गया था, आने से मतलब ब्लॉक हो गया था। दूसरा इंसिडेंट था जो ETC है आपका होलीगार्ड में, वहाँ पर जो है आग घटना हो गई थी बिल्डिंग में, सैटेलाइट में और हॉस्टल्स में। और तीसरा था या स्पॉट था वो चटवा पीपर पड़ता है गोचर में, वहाँ पे बस एक्सीडेंट हो गया, बस गिर गई थी 24 सीटर मिनी बस, उस पर था। पचवा था जो स्टैम्पीड हो गया था गोविंद घाट में। और सारे जो है चारों स्पॉट पे जो है अच्छे से जो है उन्होंने मौजूद किया गया है, और जो भी चीज़ें थी सारे स्पॉट्स पे टाइम पर पहुँच गए थे, सारे अधिकारी जो टीम पूरी है जो इक्विपमेंट्स है सारे पहुँच गए थे। रोली ग्वार में एक भवन में आग लगने की घटना को देखते हुए यहाँ पे मॉक ड्रिल की गई, और यहाँ पे जो फायर सर्विस का एक्शन था काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। लगभग गाड़ी के खड़ी होते ही 1.5 से 2 मिनट के अंदर इन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिर रेस्क्यू टीम के द्वारा घायलों को निकालने की कार्रवाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, और 108 एम्बुलेंस समय से यहाँ पर पहुँचकर घायलों को लेने के लिए और उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद चार जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें जिला चिकित्सालय भेजा गया, और बाकी लोगों को फर्स्ट एड देने के बाद घर भेज दिया गया।